यह आकाशवाणी एफ एम 100.6 पर विविध भारती का वाराणसी केंद्र। लीजिए सुनिए कोरोना पर विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत कैसे करें मास्क का प्रयोग विषय पर डॉक्टर अजय कुमार से नेहा गुप्ता की बातचीत। नमस्कार श्रोताओं, हम कोविड को लेकर संजीदा हों ये बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जो गाहे बगाहे खबरें आती रहती हैं कि तीसरी लहर आएगी और फिर से वो सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी जैसा कि हमने पहले और दूसरी लहर में देखा था, क्यों ना इस तीसरी लहर से मुक्त हुआ जाए, ऐसा कुछ उपाय किया जाए। आखिर वो उपाय क्या हैं, हम क्या ऐसा किन किन आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें ताकि हमारा जो जीवन है उसकी रूपरेखा, उसका रंग ही कुछ और हो। जी हाँ, हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं आयुर्वेद महाविद्यालय चौकाघाट वाराणसी से डॉक्टर अजय कुमार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। डॉक्टर अजय, लोग तीसरी लहर के बारे में बात करते रहते हैं, आप एज अ डॉक्टर इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कोरोना के दो लहर हम लोग इसके पहले जो है उसको महसूस कर चुके हैं जी। और जैसा कि हम लोग ने देखा कि पहली लहर उतनी मुश्किल भरी नहीं थी जितनी की दूसरी लहर। दूसरी लहर में हम लोगों ने काफी ज्यादा समस्याएं महसूस की और कहीं ना कहीं उसमें हम लोग अवेयर नहीं हो पाए, जैसा कि हमारे सरकार के द्वारा जो समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए गए थे जी, जी। उसमें हम लोगों ने थोड़ी बहुत लापरवाहियां की जिसकी वजह से दूसरी लहर का प्रकोप हमें झेलना पड़ा। तो ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अगले कुछ महीनों में तीसरी लहर आएगी, तो ऐसा हम लोग को बचाव अभी से करना चाहिए कि हमें इस जो समस्या हमने दूसरी लहर में झेली वो हमें तीसरी लहर में उसका सामना न करना पड़े। इसके लिए है कि जो भारत सरकार के जो गाइडलाइंस समय समय पर जारी हो रही हैं उनको हमें पूरी तरह से उनका पालन जरूर करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में इससे बचने के लिए ऐसा क्या करें हम? सबसे पहला बचाव का तरीका है कि जितने भी हमारे जो नियम बताए गए थे उनको हमें फॉलो करना है। जैसे कि नियम में जो नियम बताए गए थे कि एक तो मास्क हमको हमेशा लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमें अवश्य करना है, क्योंकि ये दोनों फैक्टर ऐसे हैं जो कि इन्फेक्शन के जो रिस्क है उसको बढ़ाते हैं। साथ में अभी जो हमारे यहाँ बृहद टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है उसमें हम आगे आकर अपनी जो भागीदारी निभाएं और जितना जल्दी हो सके हम अपना टीकाकरण जरूर करा लें। डॉक्टर साहब, अगर हम मास्क की बात करें तो बाजार में तरह तरह के मास्क हैं या लोग खुद से बना ले रहे हैं, लेकिन कई बार मास्क ठीक से फिट नहीं आ पाते जिससे कि हमारे नाक और जो मुख का एरिया है वो ठीक तरह से कवर हो, तो आप किस तरह के मास्क लगाने की सलाह देंगे लोगों को? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो तथ्य है जो कि हम लोग कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही कर रहे हैं कि मास्क मार्केट में बहुत तरीके के आ रहे हैं। अगर हमको वास्तव में बचाव रखना है तो जो थ्री लेयर के जो सर्जिकल मास्क है उसको हमें पहनना ज्यादा आवश्यक है। और अगर हम किसी चिकित्सा कर्मी की बात करें या जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके लिए तो ज्यादा सुरक्षित N95 है, लेकिन अगर सामान्य जनता की बात करें तो आप मिनिमम थ्री लेयर के मास्क जरूर प्रयोग करें। मास्क लगाने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश लोग जो है मास्क को नाक के नीचे से लगाते हैं जबकि नाक को ही हमको ढक के रखना है। जब भी मास्क लगाएं ठीक से लगाएं और गले में उसको न लटकाएं, नाक हमेशा आपके ढक जी। डॉक्टर साहब, जब मार्केट में लोग मास्क खरीदने जाते हैं तो कई बार ये थ्री लेयर उनको समझ में नहीं आता, हमारे सुनने वालों को बताएं कि वो कैसे जब जाएं दुकान पर या कहीं भी ऑनलाइन खरीद रहे हों कैसे भी, तो किस तरह से जज करें, क्या क्या देखें थ्री लेयर्स में? ऑनलाइन परचेज करते समय तो देखिए, जो भी आपके ऑनलाइन सेलर हैं वहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, क्योंकि वहाँ आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ऑफलाइन मार्केट में जा रहे हैं तो आप मास्क किनारे से देखेंगे, हल्के हाथों से आप मसलेंगे तो उसके थ्री लेयर्स आपको अलग अलग सेपरेटली दिखेंगे जी, जी। तो आप उसको जरूर एक बार देख लें, जहाँ पे सिलाई नहीं है वहाँ पे कॉर्नर पे देखेंगे तो आपको थ्री लेयर्स आसानी से दिख जाएंगे, उसको देख लें तभी खरीदें जी। डॉक्टर साहब, कई लोग ये कहते हैं जो एक आम जनमानस के दिलो दिमाग में बात है कि भाई हम कंटिन्यूअस अगर मास्क लगा के रखेंगे तो कहीं ऑक्सीजन का लेवल जो है वो डाउन तो नहीं हो जाएगा हमारे शरीर में?
नहीं ऐसा नहीं है, एक केवल एक भ्रांति इसको कह सकते हैं कि मास्क लगाने से ऑक्सीजन लेवल पे बहुत ज्यादा आपके फर्क नहीं पड़ता है। ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बहुत हैवी वर्क कर रहे हैं या बहुत घर में आपके सीढ़ियां ज्यादा है, आप सीढ़ी ज्यादा चढ़ रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ी बहुत आपको जरूर सांस फूलने की समस्या हो सकती है, तो आप वहाँ पे थोड़ी देर के लिए मास्क कुछ मिनटों के लिए हटाकर फिर वापस लगा सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई अब तक नहीं देखा गया है कि उससे ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम लोग एक चिकित्सक होने के बावजूद भी हम लोग लगाते हैं और बीच बीच में हम लोग अपना खुद का भी चेक करते हैं, तो उसमें बहुत परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। जी डॉक्टर साहब, एक मास्क जैसे कोई खरीद रहा हो तो वो कितने समय तक उसका प्रयोग करे और कैसे उसकी क्लीनिंग करे, साफ सफाई? मास्क तो वैसे जो गाइडलाइन आई थी उसमें था कि आपको 4 से 6 घंटे पे आपको बदल लेना है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा हो नहीं पाता है, कोई भी व्यक्ति इसको 4 से 6 घंटे पे बदल नहीं पाता है जी। तो कोशिश तो ये करें कि कम से कम प्रतिदिन तो आप बदल लें, और अगर आपके पास कपड़े के मास्क हैं तो उसको आप डेली धुल कर आप उसको यूज कर सकते हैं। लगभग जो है एक मास्क को आप 30 से 40 वाश दे सकते हैं, क्योंकि अधिकतर जो भी कंपनियां हैं वो इतना दावा करती हैं उनके मास्क 30 से 40 बार आप धोकर प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या मास्क को धूप में सुखाएं, खुले हवा में सुखाएं तो ठीक रहेगा? हाँ, ये बहुत जरूरी है कि मास्क को आपको धूप में ही सुखाना है, और धोने के लिए आप जो बहुत से केमिकल्स आते हैं, सैनिटाइजर आते हैं, और या आप जो आपके घर में जो साबुन हो आप उससे भी धो सकते हैं, उससे भी आपका जो है लगभग जो है डिसइंफेक्टेंट हो जाता है जी। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें इम्यूनिटी की, तो लोग ये कहते हैं कि भाई विटामिन सी लेना है तो हमारा शरीर ठीक रहेगा। विटामिन सी में ऐसे कौन से भोज्य पदार्थ, फल, सब्जियां हैं ताकि उनको लोग ले सकें? तो जितने भी हमारे पास जो खट्टे आहार हैं या फल हैं, जैसे कि नींबू हो गया जी, या इससे रिलेटेड आपका अनार में मिल सकता है, तो जो भी मतलब खाद्य पदार्थ जो थोड़े बहुत खट्टे होते हैं जी। सबसे रिच सोर्स में आंवला माना जाता है, आंवला आपको आसानी से हर जगह उपलब्ध है, आंवले का जूस भी आप ले सकते हैं, तो इन सब चीजों में आराम से आपको विटामिन सी जो हमको प्रतिदिन की आवश्यक डोज है वो मिल जाती है जी। डॉक्टर साहब, कई बार क्या होता है कि लोग सुन लेते हैं कि हाँ विटामिन सी के लेने से हम सुरक्षित रहेंगे, तो क्या करते हैं कि वो विटामिन सी को ज्यादा ही खाने लगते हैं और बाकी चीजों को नजरअंदाज करते हैं, तो आप एज अ चिकित्सक हमारी मार्गदर्शक होने के नाते क्या कहेंगे कि कैसा हो आहार? विटामिन सी आपको बचाव तो दे सकता है, लेकिन सिर्फ विटामिन सी के भरोसे आप अपना बचाव नहीं कर सकते जी। इसके अलावा जो भी गाइडलाइंस है उसको तो आपको पालन करना ही होगा। इसके अलावा आयुर्वेद में बहुत से ऐसी औषधियां हैं जिनका कि आप प्रयोग करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी, और इससे आप कोरोना के अलावा जितने भी वायरल संक्रमण होते हैं आप सबसे अपना बचाव कर सकेंगे जी। तो इसमें भारत सरकार की भी बहुत से गाइडलाइंस हैं, आयुष मंत्रालय की भी गाइडलाइंस हैं, तो इसमें आप नियमित रूप से अगर जो काढ़े का सेवन है उसमें आयुष काढ़ा है, आपको आसानी से हर जगह उपलब्ध हो जाएगा। अगर आप मार्केट नहीं जाना चाहते तो आपके घर में ही तुलसी मिल जाएगा, तुलसी है, अदरक है, मरीच है, दालचीनी है, इनके इनका जो है काढ़ा बनाकर आप प्रयोग करेंगे तो इम्यूनिटी आपकी बेहतर हो जाएगी। खाने पीने में कोशिश करें कि जो आपका भोजन हो बिल्कुल ताजा हो, बहुत से लोग की आदत बासी खाना खाने की, तो बासी खाना खाने से बचिए, क्योंकि वैसे भी मौसम बारिश का चल रहा है, इसमें फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। खाने में आप हमेशा ताजा और हल्का जो आसानी से पच जाए उसका सेवन करें, बाहर के खाने से बचें, क्योंकि बाहर के खाने में आजकल ज्यादा आप देख सकते हैं कि इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं जी। और कहीं ना कहीं साफ सफाई का ध्यान बहुत रखना जरूरी है। तो हम यानी भोजन में जो प्रोटीन है, कैल्शियम है, मिनरल्स है, विटामिन सी है, मेवे हैं, ये सारी चीज़ों को शामिल करें और एक संपूर्ण संतुलित आहार बनाएं, तभी बात बनेगी, है ना डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारा जो भी भोजन हो वो बिल्कुल संतुलित मात्रा में हो जी। और उसमें संतुलन जो भी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, मिनरल्स है, विटामिन है, सबका संतुलन आवश्यक है जी। क्योंकि अगर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो भी समस्या है, ज्यादा प्रोटीन लेते हैं तो भी समस्या है, और ज्यादा फैट लेते हैं तो भी समस्या है जी। तो भोजन में किसी भी द्रव्य की मात्रा ज्यादा न हो, सब कुछ हो संतुलित मात्रा में जी, तो हमारे लिए बेहतर होगा। डॉक्टर अजय, हमारे सुनने वालों को और हमें इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। श्रोताओं तब ध्यान रखिए कि हमें जो भी खाना है किसी एक चीज़ पर जोर नहीं देना है। अपनी थाली में दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ जो आपसे संभव हो सके। हमें महंगे भोजन के पीछे नहीं भागना है बल्कि जो हम आसानी से खरीद सकते हैं बना सकते हैं उसी को खाना है। अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त नेहा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।